क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, अ ब्लॉक ऑफ मास एम इज पुल्ड अलोंग अ सर्कुलर आर्क बाय द मीन ऑफ अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ एज शोन इन द फिगर। फोर्स जो है वो हमेशा की तरह लग रहा है, मैं यहाँ पर एक्सिस बना लेता हूँ, यह है एक्स एक्सिस और यह है वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, वाई एक्सिस वर्टिकल है। तो जो फोर्स है वो किसी भी पॉइंट पर, यहाँ से यहाँ पार्टिकल था तो फोर्स इधर लग रहा था, यहाँ से पार्टिकल यहाँ गया तो फोर्स इधर लग रहा है, फिर फोर्स इधर लग रहा है और फाइनली फोर्स अभी भी इधर ही लग रहा है। तो फोर्स जो है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, यानी कि कांस्टेंट फोर्स है, कि डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही और ये मान रहे हैं हम हमेशा हॉरिजॉन्टल ही लग रहा है किसी भी पॉइंट पर। चलिए, वर्क डन बाय दिस फोर्स इन पुलिंग द ब्लॉक फ्रॉम पोजिशन ए टू बी। जब पार्टिकल जो है वो ए से बी तक आ गया तो अब ये जो है स्ट्रिंग वर्टिकल से 60 डिग्री का एंगल बना रही होगी और फोर्स हमेशा जो है वो पैरेलल ही है, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हमेशा इस डायरेक्शन। ठीक, चलिए अब हमें वर्क डन यहाँ पर निकालना है फोर्स का। तो हम जानते हैं कि इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हुआ ये क्या है एस वेक्टर, ये क्या है एस वेक्टर। ठीक, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। चलिए, एस वेक्टर अगर डिस्प्लेसमेंट है तो क्या इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक ये वाला कंपोनेंट होगा एस वेक्टर का और एक ये वाला कंपोनेंट होगा अलोंग टू द फोर्स। क्लियर है, सही है। तो ये जो कंपोनेंट होगा अलोंग टू द फोर्स, इसकी जो डिस्टेंस है वो इसके बराबर ही है, इसके बराबर ही है, यह है डी, यह है डी। और डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी की वैल्यू आ जाएगी डी इज इक्वल टू आर साइन 60, आर साइन 60, डी इज इक्वल टू आर साइन 60। हम जानते हैं कि वर्क डन बाय द फोर्स जो होगा वो होगा फोर्स इनटू कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स। लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स, हम ये भी लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इनटू कंपोनेंट ऑफ फोर्स इनटू डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये भी लिख सकते हैं फोर्स इनटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखिए यहाँ पर वर्क डन बाय द फोर्स जो होगा वो होगा फोर्स इनटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। फोर्स किस डायरेक्शन में था, फोर्स था इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी किस डायरेक्शन में हुआ, इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट, सॉरी डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ, डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट एक ये रहा, एक परपेंडिकुलर टू द फोर्स है, परपेंडिकुलर टू द फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसके लिए ये फोर्स वर्क नहीं करेगा क्योंकि एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अलोंग टू द जो डिस्प्ले, अलोंग टू द फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट होगा उसी के लिए वर्क करेगा, तो वो कितना है डी के बराबर है, डी के बराबर है, ये डी तो ये भी डी। ठीक, क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर एफ इंटू डी कितना हो जाएगा, एफ इंटू आर साइन 60। वर्क डन बाय द फोर्स कितना हो जाएगा, वर्क डन बाय द फोर्स हो जाएगा एफ आर साइन 60 की वैल्यू रूट थ्री बाय टू, ये हो जाएगा रूट थ्री बाय टू एफ आर। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा।